मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में आज सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। सर्वदलीय बैठक में इसी पर होगी चर्चा। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट में बड़ा फैसला। मराठाओं को जल्द दिया जाएगा कुनबी सर्टिफिकेट। संदीप शिंदे कमेटी की सिफारिश पर कैबिनेट की मुहर। नेताओं के घर पर हमले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निवास की सुरक्षा बढ़ी। ठाणे निवास पर सुरक्षा को और कड़ा किया गया। करीब 150 पुलिसकर्मी तैनात। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में आरक्षण को लेकर आंदोलन। सांगवी इलाके में मराठा समुदाय की ओर से जल समाधि आंदोलन। राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। अमित शाह वसुंधरा राजे भी हुई शामिल। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। राजस्थान चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। अभी तक 76 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस नेता नकुल नाथ का एमपी में बड़ी जीत का दावा। छिंदवाड़ा में कहा कांग्रेस को विधानसभा में मिलेगा बहुमत। कमलनाथ बनेंगे सीएम। तेलंगाना के रण में कांग्रेस के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे का दूसरा दिन। कई जगहों पर रैली को करेंगे संबोधित। आज से दिल्ली में डीजल बसों के घुसने पर पाबंदी। बढ़ते वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने उठाया कदम। दिल्ली में अन्य राज्यों की डीजल बसों की एंट्री नहीं। बेंगलुरु में बकाया पैसा मांगने पर कार से कुचलने का आरोप। मृतक कार बेचने के बाद मांग रहा था बकाया। आरोपी सहित 3 गिरफ्तार। कोची कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट का मामला। आरोपी डोमिनिक मार्चिन के घर से पुलिस को मिले सुराग। कई बोतलें तार और बैटरियां बरामद की गई। आज करवा चौथ का त्योहार। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागनों ने निर्जला व्रत रखा है। चंद्रमा निकलने के बाद ही खोलेगी उपवास। चार मुकाबले हारने के बाद आखिरकार जीता पाकिस्तान। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है पाकिस्तानी टीम। आज पुणे में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच भिड़ंत। साउथ अफ्रीका की टीम जीती तो सेमीफाइनल में जगह करीब करीब पक्का। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।